हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एबीसीएल जीके। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भाई इंडियन पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट। तो ये नई सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, इससे पहले मैं साइंस की और हिस्ट्री की सीरीज़ पहले शुरू कर चुका हूँ। आप लोग जाकर जो है मेरी प्लेलिस्ट में इन सब के पार्ट्स जो हैं देख सकते हैं। हालांकि मैं हिस्ट्री के 6 पार्ट कर चुका हूँ और साइंस के 5 पार्ट अब तक अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे एक आई बटन भी आ रहा होगा, वहाँ पे जाकर भी आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बेस्ट 300 प्लस एमसीक्यू ऑन इंडियन पॉलिटी। तो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि मैं अब क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करूँगा भाई, जहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत हुई थी। जहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वहाँ से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है और क्या क्या एग्जाम में आने वाला है वो सब चीज़ें मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। पहला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन। जब हमारा संविधान बना था तो संविधान को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, तो वो असेंबली जो थी इस्टेब्लिश कब हुई थी? ये इस्टेब्लिश हुई थी भाई 6 दिसंबर 1946 को। इस्टेब्लिश इस डेट को हुई थी, लेकिन फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो हम लोग इसके अंदर जो है ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही मानेंगे। और ये इस असेंबली बनी थी कि आज़ाद भारत का संविधान किस तरह का होगा, कैसे संविधान बनाएंगे, उस चीज़ के लिए बनी थी। और इसको जब संविधान बनने के बाद डिसबैंड किया था 24 जनवरी 1950 को। और जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसके अंदर 207 मेंबर की अटेंडेंस थी, यानी कि उस समय पर 207 मेंबर इसने अटेंड किए थे पहली, अगर मैं बात करूँ। उसके बाद है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और डेडिकेटेड अपलोड जो है हर ट्यूसडे और फ्राइडे को होने वाली हैं। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे है, टेलीग्राम पे है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं एमसीक्यू डालता हूँ, और टेलीग्राम पे जो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी। और इन दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर फॉलो भी कर सकते हैं मेरे को भाई, क्योंकि अगर आप ये बेनिफिट लेना चाहते हैं। और ये जो मैं आपको वीडियो करवा रहा हूँ ये भाई भारत के सभी एग्ज़ाम्स के अंदर आपको हेल्प करेगी, चाहे वो कोई भी स्टेट हो इन सब में से। इसके अलावा भी जितने भी स्टेट्स हैं उनमें ये आपको हेल्प करने वाली है। सेकंड क्वेश्चन है, हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के चेयरपर्सन कौन थे भाई? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई, ये फोटो है डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा की। तो ये क्या थे, टेम्परेरी प्रेजिडेंट हम लोग बोल सकते हैं इनके, जो टेम्परेरी चेयरमैन थे वो सचिदानंद सिन्हा थे, और बाद में जो परमानेंट जो इलेक्टेड बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि हमारे जो थे अभी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन इस क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि फर्स्ट मीटिंग किसने चेयर की थी, तो ये की थी ऑप्शन नंबर सी ने भाई। लेटर ऑन क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इलेक्ट हुए थे एज ए प्रेजिडेंट, और वाइस प्रेजिडेंट के लिए जो इलेक्ट हुए थे वो हुए थे एच सी मुखर्जी। तो ये तीनों ही नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए टोटल कितना समय लिया था भाई? तो ये लिया था लगभग 3 साल। अगर मैं एग्जैक्ट डाटा की बात करूँ तो ये होगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और मैं इसको पर्सनली कैसे याद रख सकता हूँ भाई, हम जानते हैं कि नॉर्मली हर मंथ के अंदर हम लोग 30 दिन जो हैं मान लेते हैं। अगर मैं इसके अंदर से 12 डेज जो है माइनस कर दूंगा, यानी कि 3 साल में से अगर मैं 12 डे माइनस कर दूंगा तो हमारे पास यही डेट आएगा भाई, 2 साल 11 मंथ और 18 दिन। तो मैं इस तरह से याद कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैं ये भी आपको प्रोस दूंगा कि आप भी इस तरह से याद कीजिए। तो भाई ये जो थे सेशन हुए थे, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करूँ, पहला सेशन हुआ था ये, आप सारा डिटेल जो है नोट कर सकते हैं। और जो हमारा फोर्थ सेशन है ना इसके अंदर भाई, जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो इसी समय पर अडॉप्ट किया गया था। और 11वां सेशन जो था इसका 14 से 26 नवंबर तक चला था। और उसके बाद लास्ट टाइम असेंबली कब मीट हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, जिन्होंने भी अपने सिग्नेचर किए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर मैं बात करूँ हिंदी में तो इसको प्रारूप कमेटी बोलेंगे। यानी कि जो बेसिक फीचर होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के और उसको ड्राफ्ट किस तरह से करना है, ये सब जो था ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था। और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कमेटी बनी थी
29 अगस्त 1947 को, यानी कि हमारे आज़ाद होने के कई दिन बाद। इसी के साथ हमें कुछ कमेटीज़ के नाम देखने हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे यूनियन पावर कमेटी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसके चेयरपर्सन जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। एडवाइजरी कमेटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, इसके चेयरपर्सन थे हमारे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टीयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के मुंशी। प्रोविंशनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि आफ्टर आज़ादी के बाद जितनी भी प्रोविंसेस थी उनको इकट्ठा करने का काम जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही था। और नेशनल फ्लैग एंड एडहॉक कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि कमेटी काफ़ी बनी थी, लेकिन मैंने उन्हीं के नाम लिए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी आने के चांसेस इनके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। इंडिया के अंदर फेडरल कोर्ट जो थी भाई किस एक्ट के तहत बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी एक्ट में से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके काफ़ी सारे फीचर जो हैं इस एक्ट से काफ़ी लिए गए हैं। अगर मैं फेडरल कोर्ट की बात करूँ तो इस्टेब्लिश हो गई थी भाई, देखो एक्ट तो इसके तहत इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन इस्टेब्लिश बनी कब थी कि 1 अक्टूबर 1937 को, और जिसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो थे सर मॉरिस गायर। अब मैं बात करूँ कि ये जो थी फंक्शन कब की थी, क्योंकि बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है भाई कि फेडरल कोर्ट कब बनी, हाई कोर्ट का सीन क्या था, सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में बनी थी फिर दिल्ली का क्या सीन था, तो वो भी मैं आप सबको समझाने वाला हूँ। जो फेडरल कोर्ट थी ये कब तक फंक्शन रही, जब तक हमारा 1950 के अंदर सुप्रीम कोर्ट बन नहीं गया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट बना तो ये फेडरल कोर्ट क्या होगी, ये फंक्शनल, इसकी जो थी फंक्शनैलिटी वो ख़त्म हो गई थी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्या हुआ फिर जब सुप्रीम कोर्ट आया भाई, तो ये तीन डिवाइड में हो गया भाई कि सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट, या फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर आप इसको उल्टा ही पढ़ सकते हैं कि पहले केस जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद अपील लग सकती है हाई कोर्ट में, और उसके बाद अपील लग सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और अगर मैं आज की बात करूं भाई, करंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर 33 जज हैं, 32 जस्टिस हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और अभी तक एज पर लॉ जो है टोटल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, 34 हो सकती है। और ये जो भी स्ट्रेंथ है भाई ये किसके अंदर होती है, ये पार्लियामेंट के अंदर होती है, यानी कि इसको घटाना या बढ़ाना पार्लियामेंट के हाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वॉज मेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा। इनके कैलकटा के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो किस एक्ट के तहत हुआ था? तो ये हुआ था भाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। हुआ क्या था कि फोर्ट विलियम के अंदर जो थी सुप्रीम कोर्ट हमारी खुल गई थी, यानी कि उस समय पर हमारे गुलाम भारत की जो थी सुप्रीम कोर्ट थी कैलकटा के अंदर, कोलकाता बोलते हैं इसको। इस एक्ट के तहत 1774 के अंदर ये स्टार्ट हो गई थी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं यह है विलियम फोर्ट जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये बनी थी। और ये कब तक वर्किंग में रही थी, जब आप लोगों को पता ही होगा कि 1861 के हाई कोर्ट के एक्ट के दौरान तीन जगह पर जो थे आप कह सकते हैं कैलकटा, मद्रास और बॉम्बे, यहाँ पर तीन हाई कोर्ट जो थी खुल गई थी। और जैसे ही कैलकटा के अंदर हाई कोर्ट खुली तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम था ये इसकी फंक्शनैलिटी वहाँ पर ख़त्म हो गई थी। और अगर मैं इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करूँ, अगर मैं गुलाम भारत की बात कर रहा हूँ भाई, तो ये है सर एलिजा एम्फे। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट CGI यानी कि अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करूँ तो उसका नाम क्या है भाई, वो डिफरेंट है। अगर आपको पता है तो ये नाम मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, अदरवाइज़ मैं आपको आने वाले पार्ट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी डिस्कस करूँगा। अगर आपको पता है, आपकी नॉलेज अच्छी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि द्वैध शासन प्रणाली जो थी बाई कैमरल, यानी कि इसमें क्या होता है, दो हाउस होंगे भाई, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। तो ये कब हुआ था फर्स्ट टाइम, तो ये हुआ था भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और इस एक्ट को हम लोग जो है मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि उस समय पर जो मैं बात करूं, जो मोंटेगो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो चेम्सफोर्ड था वो था वायसरॉय था उस समय पर इंडिया का। तो उस समय पर ये एक्ट आया था। इसमें हुआ क्या था, आपने ये भी सुना होगा कि डायरकी, तो भाई बाइकैमरल और डायरकी जो है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों के बारे में समझाता हूँ आपको अभी। अब बाइकैमरल के अंदर हुआ क्या था कि दो हाउस बन गए थे, पहला था अपर हाउस जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, और दूसरा हाउस था लोअर हाउस जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, यहाँ पे असेंबली होएगा।
और बाद में ही जाकर जो अपर हाउस है भाई, इसको हम अब राज्यसभा के नाम से जानते हैं और लोअर हाउस को हम लोग लोकसभा के नाम से जानते हैं। और जिस समय पर ये बना था 1919 के अंदर, तब काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर जो मेंबर थे वो थे 60 थे और लोअर हाउस के अंदर जो मेंबर थे वो थे 145। और अगर मैं डायरकी की बात करूँ, डायरकी जो लाई गई थी भाई वो स्टेट बेसिस के ऊपर लाई गई थी डायरकी। और उसके अंदर क्या थे, दो तरह के सब्जेक्ट थे, एक था ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और दूसरा था रिजर्व सब्जेक्ट। ये दोनों जो थी स्टेट लेवल के ऊपर लाई गई थी। जैसे मैं बात करूँगा ट्रांसफ़र सब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा, PWD होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। तो जो ट्रांसफ़र विभाग थे, जैसे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे, उनका चार्ज जो था इंडियंस को दे दिया गया था। और जो रिज़र्व थे लाइक आप कैसे ले सकते हैं कि कॉमर्स हो गया, रेलवे हो गया, इनका जो था डायरेक्ट जो थे गवर्नर थे उनके पास इनका कंट्रोल था। तो ये डिफरेंस है भाई बाइकैमरल में और डायरकी में, दोनों सेम चीज़ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। आपको पता है कि 1946 के अंदर भाई कैबिनेट मिशन आया था, क्योंकि उस समय पर नए ब्रिटेन के PM बने थे भाई क्लीमेट एटली। तो ये बिलोंग करते थे भाई लेबर पार्टी से, और लेबर पार्टी जो थी ब्रिटेन की वो हमेशा ही इंडिया के सब मतलब के उनको स्वतंत्र आज़ादी देने के पक्ष में रही थी। तो इसी बेसिस के लिए उन्होंने जो है एक कैबिनेट मिशन भेजा, उसके अंदर तीन मेंबर थे, पैथिक लोवेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो कि 1942 के अंदर भी इंडिया आ चुके थे पहले, क्रिप्स मिशन के बारे में आपने सुना होगा। थर्ड मेंबर थे AV अलेक्जेंडर। तो इसमें हम इजीली बता सकते हैं कि भाई विलियम वुड उसके जो थे मेंबर नहीं थे। तो ये होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्ट द नेशनल फ्लैग। यानी कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि फोर्थ सेशन जो था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, उसके दौरान ही जो था इसको अडोप्ट कर लिया था। कब किया था, 22 जुलाई 1947 को। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 24 स्पाइक्स हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है कि डिज़ाइन किसने किया था भाई, तो ये पिंगली वेंकैया जी ने जो था, ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ भाई आपको, इन्होंने डिज़ाइन किया था, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। और जो इसकी विड्थ और लेंथ को लेके जो रेशियो है वो 2/3 है, इसका भी ध्यान रखना, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया ये भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कंप्लीट कब हो गया था भाई। तो ये कंप्लीट हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि 2015 से हम 26 नवंबर को जो है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाने लगे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस के बारे में, यानी कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने जो है 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन इफेक्टिव कब हुआ था भाई, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि लाहौर के 1929 के जो सेशन हुआ था उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज ले लेंगे। हालांकि ये हो नहीं पाया था, लेकिन इस वजह से क्या था कि भाई ये रेजोल्यूशन पास किया था तो 26 जनवरी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट डेट बन गई थी। तो इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया, यानी कि केम इनटू फोर्स हुआ। बात करें एडोप्ट कब हुआ, कंप्लीट कब हुआ, तो यही हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ, केम इनटू फोर्स, ये हुआ 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, स्टेट एम्बलम कब अडोप्ट किया भाई। स्टेट एम्बलम आपने देखा ही होगा भाई, ये है हमारा स्टेट एम्बलम, ये अडोप्ट किया रिपब्लिक डे वाले दिन ही 26 जनवरी 1950 को। और ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया, आपको पता है कि वाराणसी के सारनाथ के अंदर अशोक पिलर है, वहीं से ये जो है एक्सट्रैक्ट किया है। और सत्यमेव जयते, आप देख सकते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके अंदर फीमेल यानी कि वुमेंस का नंबर कितना था, तो ये था भाई 15। जैसे सुचरिता किपलानी हो गई, सरोजिनी नायडू जी हो गई, इस तरह से जो थे हमारे, एग्जांपल दिए मैंने आपको, 15 जो थी फीमेल थी इसके अंदर। अब हम बात करेंगे भाई कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बहुत से फीचर्स जो हैं वो दूसरी कंट्रीज से लिए गए हैं। किस किस कंट्री से लिए गए हैं ये मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ भाई, कि भाई आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेके बैठना है या फिर इनका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कि जुडिशियल रिव्यू हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से, किस देश से जो है बोरो किया है। तो जुडिशियल रिव्यू किया है भाई हमने USA, ऑप्शन नंबर बी से। देखने वाली बात यह है कि जुडिशियल रिव्यू में होता क्या है कि ये कोर्ट को पावर देता है,
एग्जामिन करने की किस चीज़ के एक्शन के, लेजिस्लेटिव के, एग्जीक्यूटिव के, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है गवर्नमेंट की, उनकी जो भी पावर हैं उनको एग्जामिन करता है, इनके उनके जो भी कार्य हैं उनको एग्जामिन कर सकता है कोर्ट। तो ये काफ़ी एक अच्छा है, एक आप कह सकते हैं कि एक तरह से एक अच्छा फीचर है, क्योंकि इनकेस कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो वो अपनी मनमानी कर सकती है भाई कि मेरी गवर्नमेंट है कुछ भी लॉ बना दूंगी। लेकिन जुडिशियल रिव्यू ऐसा ही है कि कोर्ट के अंदर जाकर वहाँ पर जो है कोर्ट के पास ये पावर है उसको चेक करने की। अब यूएसए से क्या कह लिया है भाई, इम्पीचमेंट लिया है प्रेसिडेंट का, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, प्रेम्बल भी काफ़ी बार पूछा गया है भाई। ब्रिटेन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रिट का मामला, अगर पार्लियामेंट प्रिविलेज के बारे में बात करूँ, बाई कैमरलिज्म जो कि 1919 के अंदर तो हमने ऐड ही किया था। अगला क्वेश्चन है कि कंकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से बोरो की, तो ये बोरो की भाई हमने ऑस्ट्रेलिया से। और मैं पर्सनली इसको कैसे याद रखता था भाई कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी भाई, क्रिकेट टीम, क्योंकि काफ़ी फेमस है, तो उसमें क्या है भाई, काफ़ी ज़्यादा करंट है, मतलब कि बहुत अच्छा खेलती है। जस्ट फॉर हम याद रख सकते हैं इसको कि कंकरेंट लिस्ट जो हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो की थी। इसके अलावा हमने क्या किया था भाई, जॉइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेस, आर्टिकल नंबर 108 के अंदर जो लिखा गया है, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। जर्मनी से हमने क्या लिया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो एमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किए जा सकते हैं। आपको पता है कि नेशनल एमरजेंसी हमारे सेक्शन आर्टिकल नंबर 352 के अंदर लिखी हुई है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया था भाई हमने कि राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे होगा, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आर्टिकल नंबर 368 के तहत होगा। फ्रांस से हमने भाई कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक लिया था, और आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो कि हमारे प्रैम्बल के अंदर भी है। हालांकि मैंने इनके क्वेश्चन कैसे लिए हैं भाई, वही लिए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन साथ में आपको इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए कि और हमने कहां से क्या क्या लिया है भाई। फंडामेंटल राइट मैं आपको बता चुका हूं कि हमने अमेरिका से लिया है। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करूं तो हमने यूएसएसआर यानी कि रशिया से लिया है, और जो आइडियल ऑफ जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये भी जो प्रैम्बल के अंदर है ये भी यूएसएसआर से लिया है, और कनाडा से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अब क्वेश्चन बहुत बार आया कि रेसिडुअली पावर। रेसिडुअली पावर क्या है भाई, ऐसा फील्ड है या फिर ऐसा क्षेत्र जो कि हमारे संविधान के अंदर इसके बारे में लिखना रह गया है, अगर उस चीज़ के बारे में किसी के पास पावर है तो उसकी पावर भी स्टेट को ना देकर सेंटर को दी जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कनाडा से लिया गया है। बाकी ये जो गवर्नर हैं उनको अपॉइंट सेंटर करेगा, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। तो ये सब चीज़ें जो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट था भाई। नेक्स्ट में हम करेंगे कि हमारे अंदर संविधान बना तो उसके अंदर कितने शेड्यूल थे, कितने पार्ट्स थे, ये सब जो है हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें भाई, और अगर आपका ग्रुप है कोई स्टडी का उसमें शेयर भी करें ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ पाएँ। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चलिए जल्दी मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।